press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे कश्मीरी बेटी याना मीर और पाकिस्तान की तरफ से होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी और फकर यूसुफजई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये तीनों बात करेंगे ना सिर्फ हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि चर्चा करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप जाके वो भी जरूर देखें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम भारतीय हैं, हम सही की तरफ देखते हैं हमेशा, हम बैलेंस की तरफ देखते हैं हमेशा, हम सबका साथ सबका विकास की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। ये हमारी नीति ही है, ये हमारा कल्चर है और इसी पे मोदी जी ने अपनी गवर्नेंस को बिल्ड किया है, सबका साथ सबका विकास। तो जैसे भारत देश है, इस मामले में भी उसने क्लियरली बोला है टू नेशन थियरी, यानी कि फलस्तीन और इसराइल दोनों के लोगों को हक है कि वो महफूज रहें, बाइज्जत जिए अपनी अपनी टेरिटरीज में, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके, एक दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट करके, सिक्योरिटी दोनों को मिलनी चाहिए, खाना पीना अच्छी फ्यूचर दोनों को मिलनी चाहिए। कभी इंडिया ने नहीं कहा कि भारत ने नहीं कहा कि जो वहां बच्चों के साथ हो रहा है फलस्तीन में वो सही हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे मासूम बच्चों के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, और ये भी नहीं कहा कि हमास ने जो किया इसराइल के साथ वो सही है, ये भी नहीं कहा। तो भारत कभी सिलेक्टिव नहीं रहा, और यही चीज जो है, जो लोग ट्विटर पे एक्टिव है मुझे लगता है उन्हें भी समझने की जरूरत है, सिलेक्टिव मत बनो भाई हर बार ना किसी मुसलमानों को विलीफाई करके एक आपने झुंड बना लिया। अगर मैं इफ आई वॉन्ट टू बी अ प्राउड मुस्लिम आरजू एंड एट द सेम टाइम आई एम अ वेरी बिग नेशनलिस्ट, मेरे लिए कंट्री फर्स्ट हमेशा रहेगा बट आई एम ऑल्सो अ प्राउड मुस्लिम, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए, किसी एक्स मुस्लिम को क्या आपत्ति होनी चाहिए या किसी हिंदू को क्या आपत्ति होनी चाहिए अगर मैं प्राउड मुस्लिम बन के फिर भी नेशन फर्स्ट बोलती हूँ, तो उसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ऐसी ट्रोलिंग, वन साइडेडनेस, ये सब मुझे लगता है, ये जहां पे आपको गलत दिखता है, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर आपको लगता है गलत हो रहा है बोल दो, मुझे लगता है कि ये सही चीज है, बिल्कुल ऐसा ही होना अच्छा चाहिए। क्योंकि अगर 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 इस्लाम में भी कुछ गलत या मुस्लिम्स कुछ गलत करे, इस्लाम में तो नहीं, मुस्लिम्स अगर कुछ गलत करे तो मेरे ख्याल बोल देना चाहिए। जी फकर, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा याना, ये वाली चीज आपने कर दी, हम क्यों इतने कंसर्न शो करते हैं कि किसी का, यानी कोई किसी भी रिलीजन से, जीव्स के हवाले से हो, वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, मतलब अगर आप हैं, मैं हूं, या हम, बेशक हम डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन हमें यह हक तो नहीं पहुंचता कि मैं कहूं कि याना जो मैं फॉलो करता हूं वो क्यों याना फॉलो नहीं करती, या जो आरजू फॉलो करती है तो वो फखर क्यों फॉलो नहीं करता। ये चीजें क्यों हमारे अंदर इतनी, मतलब अंदर चली गई और हम इतना मतलब कंसर्न चुके थे, वजह क्या इसकी? पता नहीं, ये साउथ एशिया में ये प्रॉब्लम है ही है, फिर भी मैं कहूंगी मेरे भारत में कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। मैंने तो एक वीडियो अभी देखी जहां पर पाकिस्तान में एक बकरे के कान में वो कलमा फूंक के उसको मुस्लिम बना रहा है, लेकिन ये वही लोग हैं जो जो अहमदियास को काफिर बोलते हैं, जो शियास को काफिर बोलते हैं, वो एक जानवर को इस्लाम में कबूल करवा रहा है कान में कलमा पढ़वा के। मतलब ये इस तरह की जहनीयत के कोई टोटली, मतलब उसको टोटली ना, पाकिस्तान में तो यार हमारे यहाँ तो फिर भी सिर्फ ट्विटर पे ट्रोलिंग करते हैं ना, लेकिन पाकिस्तान में तो दिन दहाड़े उनको दुकान में घुस के मार ही लेते हैं, जस्ट बिकॉज वो आपकी आपकी बिलीफ के नहीं है, वो शिया होंगे या कुछ और होंगे, तो उनको तो दिन दहाड़े मार दिया जाता है गोलियों गन उठा के। तो ये तो आई एम सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए ऐसे सिचुएशन में, बट ये बकरे के सिचुएशन में हंस रहे हैं हम लोग, बकरे वाली बात पे, बाकी मतलब वो गलत है, इतनी गलत बात है, जो बाकी चीजें वो तो होनी नहीं चाहिए किसी सूरत। बिल्कुल, खैर बकरे पे हंस रहे हैं हम, और मुझे वो वीडियो भेजिएगा अगर मिले, मैं लगाऊंगी भेजा प्राइम में, लेकिन मुझे ये बताए बगैर क्या आजकल इंडिया या भारत और अफगानिस्तान के बीच में काफी बातचीत चल रही है। आप तो खैर अफगानिस्तान जा भी चुके हैं और तालिबान की गवर्नमेंट बन रही थी उस जमाने में, फखर ने वहां पर गए थे कवर करने के लिए, और उसके बाद जो एक आजकल हमारे एक
जैसे एक्स मुस्लिम होते हैं ना, ऐसे एक्स फ्रेंड भी हो जा होना चाहिए। तो एक्स फ्रेंड जो है वो आजकल हमारे पीछे जूते चप्पल लेके पड़े हुए, तो उनके चैनल के लिए फखर ने रिपोर्टिंग की। और मेरा उसमें बड़ा रोल था कि मैंने फखर को कुछ और करने ही नहीं दिया कि वहां पे किसी और चैनल के लिए कहा बस उनका वीडियो बना के भेजो, उनकी रिपोर्टिंग, और उसके बाद वो आज हमें ये सलाह दे रहे हैं। तो फखर आपको क्या लग रहा है कि ये अफगानिस्तान के लोग जो है भारत के साथ मिलके ये हमारी वाट लगाने वाले हैं क्या? देखिए, मेरे ख्याल में हम अगर खुद अपनी वाट ना लगवाए ना, तो कोई हमारी वाट नहीं लगवाएगा। सबसे बड़ा मसला हमारा खुद का है। ना अफगानिस्तान करेगा ऐसा कुछ, ना हिंदुस्तान करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, यकीन करें, आप भाषा मतलब यूज करने लगे हो, वाट लगाई, अच्छा लगा सुनकर जी। अफगानिस्तान, हिंदुस्तान को क्या लगी हुई है? हिंदुस्तान अगर इस वक्त मतलब एक काफी तेज तरीन मतलब उनकी इकोनॉमी चल रही है, 8.4 प्रोग्रेस उनका जो ग्रोथ रेट है चल रहा है, बाकी बहुत सारी चीजें हो रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कहेंगे यार जाके ना पाकिस्तान से जरा पंगा ले लेते हैं। क्यों करेंगे? एक एक मतलब अंडरस्टूड की बात है कि ठीक है, वो हम ये सोचते हैं कि यार उन्होंने अग्नि 5 का वो मिसाइल टेस्ट कर लिया, ये कर लिया, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है। अमेरिका का डिफेंस तो दुनिया में नंबर 1 है, तो क्या हम कहें कि वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया? वो पूरी दुनिया के ऊपर उनका एक आज भी एक इन्फ्लुएंस मौजूद है, चीन का है, रशिया का है, हिंदुस्तान उस मतलब उस ग्रुप का, उस क्लब का मेंबर है। तो एक बात तो ये हो गई। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, तो अफगानिस्तान को हम पहले समझते थे अपना 5वां या 6ठा प्रोविंस समझते थे, क्योंकि जब अशरफ गनी साहब थे तो हम पक्का ये समझते थे, लेकिन जिस वक्त तालिबान आए तो उसके बाद तो हमने कहा बस अब तो हो गई होगा ना, अब तो जो हम कहेंगे। और ये सवाल मैंने मतलब जबीउल्लाह मुजाहिद से पहले जब मैं उनके कवर करने प्रेस कॉन्फ्रेंस गया, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड दोनों कहा कि यार हम पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मतलब हमारा नेबरिंग कंट्री है, हम चाहते हैं कि उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुक हो, लेकिन वो इनडायरेक्टली ये भी कहते थे कि भाई आप हमें मतलब ये ना समझे कि इस्लामाबाद और काबुल एक है। काबुल में बेशक अशरफ गनी साहब बैठे हुए हैं, हामिद कारजई साहब बैठे हुए हैं, या अभी जो अफगान तालिबान की हुकूमत है वो इस कंट्री के लोग हैं, वो आपकी बात आपके साथ ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन ये आप ना समझे कि इस्लामाबाद में जो बात की जाएगी बस काबुल में उसी तरीके से उसको लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी तेहरान के साथ है, यही हमारी दिल्ली के साथ है, यही हमारी बीजिंग के साथ है, और यही हमारी अफगानिस्तान काबुल के साथ है। फकर साहब, मैं अपने शो में बुलाऊंगी, मुझे लगता है आरजू का टाइम अप हो रहा है, वो इतनी लंबी वीडियो यूजुअली रखती नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, आप दोनों को अपने शो पर भी, अपने चैनल पर, जरूर एंड मैं जरूर पूछूंगी कि पाकिस्तान आखिर इतने पंगे क्यों लेता है कभी अफगानिस्तान से, अब तो ईरान से भी चल रहा है, कुवैत से भी चल रहा है, जब कुवैत का वो कुवैती डिजाइनर का वो जो आउटफिट पहना था उस लड़की ने जिसपे आदमी लाहौर में में। कुछ लिखा था, उसके पीछे पड़ गए सब उसको मारने के लिए, तो कुवैत कुवैत में गुस्सा आ गया लोगों को, क्योंकि वो कुवैती डिजाइनर का ड्रेस था, कहता है उसमें हमने कोई कलमा लिखी ही नहीं थी। तो हर एक कंट्री के हलवा साथ ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में, क्यों चैन से सुकून से रहते नहीं और दूसरों को रहने नहीं देते, ये जरूर मैं आपको पूछूंगी अपने शो पर। नहीं, ये आप जरूर पूछिएगा अपने शो में, लेकिन आप साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कभी कि ये वही वाली बात हो गई ना कि पाकिस्तान सबसे पंगे लेता है जबकि किसी ने कुछ किया नहीं होता, ये उन्हीं लोगों की तरह है जो आजकल हमसे पंगे लेते रहते हैं जबकि हमने कुछ भी नहीं किया होता, हम लोग अपना चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, वो बीच में आके हमें बार बार डेली थोड़ी बेसिस में समझ टक्कर आ गई मारते है हैं। पाकिस्तान को, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है कि भाई पंगेबाजी अब नहीं चलेगी, किसी के साथ भी रहना है, अच्छे से रहना है, बेशक आपके साथ किसी। मैंने देखा है आवाम को ये चीज, आवाम चाहती नहीं कि पंगे हो, बट ये या हुक्मरान हैं, ये सियासी लेवल पे होते हैं सारे पंगे, और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उससे आवाम जो है वो पिस जाती है, हर हर तरफ आवाम ही एग्जैक्टली पिसती है लोगों से, क्योंकि हर कंट्री को मोदी जी जैसे लीडर तो नहीं मिल सकते। और यस मैं हैट्स ऑफ करती हूँ मोदी जी को इस पॉइंट पे, मैं बताऊंगी, क्योंकि जिस तरह का मैस पाकिस्तान के लीडर्स ने क्रिएट किया है पाकिस्तानियों के लिए, वो देखकर मुझे याद आ गया कि मोदी जी, मतलब लिटरली कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाते हैं कि उनको भी कितना ट्रोल किया जाता है, आरजू जितना तुम्हें और मुझे, हम सोच भी नहीं सकते उनको कितना ट्रोल, और हम तो क्या करते हैं, हम सिर्फ बयानबाजी करते हैं, चाहे वो YouTube पे हो या न्यूज चैनल्स पे हो, हम सिर्फ अपनी राय रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोग अपनी राय चेंज करें हमें सुनकर, हम सिर्फ ये करते हैं। बिल्कुल मोदी जी कितना करते हैं देश के लिए, कितना करते हैं, अगर आप एक एक चीज पर जाए ना, उनकी एक एक जिस तरह की स्कीम्स उन्होंने प्लान की, रिलीज की अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों की तकलीफों को देखकर, उस हिसाब से जो उन्होंने किया, जिस पैमाने पर वो इंडिया को ले गए हैं,
उनको भी कितना बुरा लगता होगा कि जो मेरे देश का यूथ है, बनस्बत इसके कि इन अच्छी चीजों को देखकर खुश हो जो मैंने किए हैं, उसके बनस्बत एक दूसरे से लड़ने में लगे, हिंदू मुस्लिम को लेकर या छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे बिल्कुल से ट्विटर पे एक दूसरे से लड़ने में। जो मगर मेरे बच्चे इस हैं, मेरे देश के बच्चे हैं, उनको तो एकजुट होना चाहिए। मैं अब बजाय इसके कि वो चीजें देखी जो मोदी जी ने की, उनको ऐसी चीजों पे कितनी गालियां पड़ती हैं, कितने बुरे बुरे अपशब्द कहा जाता है उनको कि मणिपुर में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है वो। मणिपुर के लिए भी उन्होंने कितने स्कीम्स वो किए नहीं हैं बिल्कुल, लेकिन अफगान के ऊपर। इसमें मगर याना मैं ये जरूर चाहूंगी कि जितने भी मीडिया के लोग हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से हों या पाकिस्तान से हों, जो यूट्यूब पर हैं या बाकी चैनल्स पे, वो ये जरूर कोशिश करें कि दोनों कंट्रीज का जो मीडिया है वो एक दूसरे कंट्री में अवेलेबल हो। मैं टीवी चैनल्स की बात कर रही हूँ। अब टीवी चैनल्स नहीं आते, हम लोग न्यूज चैनल नहीं देख पाते यहाँ पे, मेजोरिटी लोग जो है कुछ के पास डिश वगैरह है तो चले देख लिया, अदरवाइज नहीं देख पाते। तो एक टाइम तक ऐसा था कि बहुत से लोग, मेरे जैसे लोग भी जो है, हम 2019 तक और उससे पहले हम यही समझते थे कि गलत पॉलिसीज बनी हुई है, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने गलत पॉलिसीज बनाई है और हम उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब हमने टीवी चैनल्स देखना शुरू किया, बात सुननी शुरू की कई लोगों की, जिसमें तारिक फतेह साहब भी थे और कई दूसरे लोग, तो उससे हमें पता चला कि उन्होंने क्या काम किया है। और वो गुजरात, गुजरात का जो चला करता था वो बंद हो गया है। पाकिस्तान में भी हम लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें जरूर कि हम वो टीवी चैनल्स ऑन करवाएं अपने यहाँ भी और आपके यहाँ भी, ताकि लोग एक दूसरे की बात सुने, समझे और जो नेगेटिव थॉट्स है उसको जो लोग हैं वो अपने आप को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया बिल्कुल, आप लोगों ने बहुत ज्वाइन शुक्रिया किया, थैंक यू सो दोस्तों। मच। और आई होप कि जल्दी आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इन तीनों का डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे याना मीर ने अपने पर्सनल व्यूज, अपनी पर्सनल राय आप सबके सामने रखी और खासकर बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और चर्चा की भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और याद रहे, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप जाके वो भी देखें, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।